मुझ पर भी कितना हमला हुआ, हर प्रकार से जो भी कहा जा सकता है कहा, लेकिन मुझे बहुत आनंद हुआ कि मैं कम से कम आपके काम तो आया। देखिए, आपके मन में एक तो कोरोना के कारण ज्यादा जाना आना होता नहीं होगा, फंसे रहते होंगे और घर में भी खींची खींची चलती होगी। अब इतना गुस्सा यहां निकाल दिया तो आपका मन कितना हल्का हो गया, आप घर के अंदर कितनी खुशी चैन से समय बिताते होंगे। तो ये आनंद जो आपको मिला है, इसके लिए मैं काम आया, ये भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूं और मैं चाहूंगा ये आनंद लगातार लेते रहिए, चर्चा करते रहिए, लगातार चर्चा करते रहिए, सदन को जीवंत बनाते रखिए। मोदी है, मौका लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। रॉयल सोल्जर परिवार के हर एक सदस्य को आज पीएम मोदी ने जो है काफी बातें बोली, एक एक पॉइंट बताया इस किसान बिल से लेके, समझाया किस तरीके से लोग समझ रहे हैं और क्या जनता को समझा रहे हैं, पर क्या सच है और कब से इस सच की मांग हो रही थी, इस बिल के बारे में मांग हो रही थी और अब क्या हो रहा है, कैसे कुछ पार्टियां भी यू टर्न ले रही हैं। मेरे कहने से इसको प्लीज़ पूरा वीडियो को देखिएगा, आपको एक एक बात समझ आ जाएगी एक्चुअल में मोदी जो कहते हैं वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जो आप सुन रहे हैं वो सच है या फिर एक्चुअल में हुआ क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ढंग से समझ आ जाएगा, ना तो मैं किसी पार्टी का पक्ष ले रहा हूँ ना किसी पीएम का, जो बात हुई है तथ्यों के आधार पर, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो भी खुद मेरी रिकॉर्डिंग नहीं है, खुद सार्वजनिक रिकॉर्डिंग है, इसको आप सुनिएगा समझिएगा। मुझे लगता है ये वीडियो सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स के लिए जो बातों को समझते हैं, देश के आने वाली एक भावी पीढ़ी इस बात को समझेगी उनके लिए वीडियो है। शायद जिसको लगेगा कि 20 मिनट का वीडियो स्किप करके चला जाएगा, और शायद ऐसा अक्सर होता है कि हम स्किप करके काम की बातें नहीं सुन पाते, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट में अपनी कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा। अच्छा लगे तो अच्छा, बुरा लगे तो बुरा, हम पहले देश के हैं बाद में किसी और के। ख्याल रखिएगा अपना, सुनिएगा पूरे वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लोकतंत्र को लेकर के काफी उपदेश दिए गए, बहुत कुछ कहा गया और लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि जो बातें बताई गई हैं देश का कोई भी नागरिक इस पर भरोसा करेगा। भारत का लोकतंत्र ऐसा नहीं है कि जिसकी खाल हम इस प्रकार से उधेड़ सकते हैं। मैं श्रीमान डेरेक जी की बात सुन रहा था, बढ़िया बढ़िया शब्दों का प्रयोग हो रहा था, जब शब्द सुन रहा था तो लग रहा था कि ये बंगाल की बात बता रहे हैं कि देश की बता रहे हैं। स्वाभाविक है, 24 घंटे वही देखते हैं वही सुनते हैं, तो वही बात शायद गलती से यहां बता दी होगी। कांग्रेस के हमारे बाजवा साहब भी काफी अच्छा बता रहे थे इस बार, और इतना लंबा खींच करके बता रहे थे तो मुझे लग रहा था बस आप थोड़ी देर में ये इमरजेंसी तक पहुंच जाएंगे। मुझे लग रहा था थोड़ी देर में, एक कदम बार बाकी है, वो 84 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन वो वहां नहीं गए। खैर, कांग्रेस देश को बहुत निराश करती है, आपने भी निराश कर दिया। किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई है, ज्यादा से ज्यादा समय जो बातें बताई गई वो आंदोलन के संबंध में बताई गई, किस बात को लेकर के आंदोलन है उस पर सब मौन रहे। आंदोलन कैसा है, आंदोलन के साथ क्या हो रहा है, ये सारी बातें बहुत बताई गई, उसका भी महत्व है, लेकिन जो मूलभूत बात है, अच्छा होता कि उसकी विस्तार से चर्चा होती। वैसे हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से कुछ सवाल भी पूछे हैं, उन सवालों के जवाब तो नहीं मिलेंगे मुझे खात्री है, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस विषय की इस सदन में चर्चा की है। मैं आदरणीय देवेगौड़ा जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस पूरी चर्चा को एक गंभीर्य दिया, और उन्होंने सरकार के जो अच्छे प्रयास है उसकी सराहना भी की, क्योंकि वो किसानों के लिए समर्पित रहे हैं जीवन भर, और उन्होंने इस सरकार के प्रयासों की सराहना भी की और उन्होंने अच्छे सुझाव भी दिए। मैं आदरणीय देवगौड़ा जी का
हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, खेती की मूलभूत समस्या क्या है, उसकी जड़ें कहां है, मैं आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने जो विस्तार से वो बताया था उसी का जिक्र करना चाहता हूं। बहुत लोग हैं जो चौधरी साहब की विरासत संभालने का गर्व करते हैं, वो जरूर इस बात को समझने का शायद प्रयास करेंगे। वो अक्सर 1970-71 जो एग्रीकल्चर सेंसस हुआ था उसका जिक्र उनकी भाषण में हमेशा आता था और उल्लेख करते थे। चौधरी चरण सिंह जी ने क्या कहा था, उनका कोट है, किसानों का सेंसस लिया गया तो 33% किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन 2 बीघे से कम है, 2 बीघे नहीं है, 2 बीघे तक है, 2 बीघे से कम। 18% जो किसान कहलाते हैं उनके पास 2 बीघे से 4 बीघे जमीन है, यानी आधा हेक्टर से 1 हेक्टर, ये 51% किसान है। ये चाहे कितनी मेहनत करे अपनी छोटी सी जमीन पर, इनकी गुजर ईमानदारी से उसमें हो नहीं सकती। ये चौधरी चरण सिंह जी का कोट है। छोटे किसानों की दयनीय स्थिति चौधरी चरण सिंह जी के लिए बहुत ही हमेशा पीड़ा देती थी और हमेशा उसकी चिंता करते थे। अब हम आगे देखें, ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टर से भी कम जमीन होती है, 1971 में वे 51% थे, आज 68% हो चुके हैं। यानी देश में ऐसे किसानों की संख्या बढ़ रही है जिनके पास बहुत थोड़ी सी जमीन है। आज लघु और सीमांत किसानों की मिलाएं तो 86% प्रति किसान ज्यादा किसान के पास 2 हेक्टर से भी कम जमीन है और ऐसे किसानों की संख्या 12 करोड़ है। क्या इन 12 करोड़ किसानों के प्रति हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या देश की कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या हमने कभी हमारी योजनाओं के केंद्र में इन 12 करोड़ किसानों को रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? ये सवाल का जवाब चौधरी चरण सिंह जी हमारे लिए छोड़ करके गए हैं, हमें जवाब को ढूंढना होगा। हमें चौधरी चरण सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए भी, इस काम के लिए जिसको जो सूझे, जिसको मौका मिले, सबने करना होगा, तब जाकर के हम इन कर सकते हैं। अब पहले की सरकारों की सोच में छोटा किसान था क्या? अगर एक बार हम थोड़ा सोचेंगे तो ध्यान आएगा। मैं आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमने सचमुच में, हम सबने सोचने की आवश्यकता है। जब हम चुनाव आते ही एक कार्यक्रम करते हैं कर्ज माफी, अब वो किसान का कार्यक्रम है कि वोट का कार्यक्रम है, वो तो हिंदुस्तान में हर कोई भली भांति जानता है। लेकिन जब कर्ज माफी करते हैं तब छोटा किसान उससे वंचित रहता है, उसके नसीब में कुछ नहीं आता है, क्योंकि कर्ज माफी जो बैंक से लोन लेता है उसके लिए होती है। छोटा किसान का बेचारा बैंक में खाता नहीं, वो कार लोन लेने जाएगा? हमने छोटे किसान के लिए नहीं किया, भले ही हमने राजनीति कर ली हो। 1-2 एकड़ जमीन वाले किसान जिसके पास बैंक का खाता भी नहीं है, न वो कर्ज लेता है, न कर्ज माफी का फायदा उसको मिलता है। उसी प्रकार से पहले की फसल बीमा योजना क्या थी? एक प्रकार से वो बीमा जो बैंक गारंटी के रूप में काम करता था, और वो भी छोटे किसान के लिए तो नसीब ही नहीं होता था, वो भी उन्हीं किसानों के लिए होता था जो बैंक से लोन लेता था और उसका इंश्योरेंस होता था, तो बैंक वालों को भी एक विश्वास हो जाता था, चल जाता था। आज 2 हेक्टर से कम कितने किसान हो गए जो बैंक से लोन? सिंचाई की सुविधा, सिंचाई की सुविधा भी
छोटे किसान के नसीब नहीं हुई। बड़े किसान तो बड़ा बड़ा पंप लगा देते थे, ट्यूबवेल कर देते थे, बिजली भी ले लेते थे और बिजली भी मुफ्त मिल जाती थी, उनका काम चल जाता था। छोटे किसान के लिए तो सिंचाई के भी लिए दिक्कत थी, वो तो कभी ट्यूबवेल लगा ही नहीं सकता था, कभी कभी तो उसको बड़े किसान से पानी खरीदना पड़ता था और जो दाम मांगे वो दाम देना पड़ता था। यूरिया, बड़े किसान को यूरिया प्राप्त करने का कोई प्रॉब्लम नहीं था, छोटा किसान को रात रात लाइन में खड़े रहना पड़ता था, उस पर डंडे चलते थे और कभी कभी तो बेचारा यूरिया के बिना घर वापस लौट जाता था। ये हम छोटे किसानों के हाल जानते हैं। 2014 के बाद हमने कुछ परिवर्तन किए, हमने फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ा दिया ताकि किसान, छोटा किसान भी उसका फायदा ले सके, और बहुत मामूली रकम से ये काम शुरू किया और पिछले 4-5 साल में फसल बीमा योजना के तहत 90,000 करोड़ रुपये, ये छोटी रकम नहीं है, 90,000 करोड़ रुपये उसके क्लेम किसानों को मिले। कर्ज माफी से भी आंकड़ा बड़ा हो जाता है। छोटा किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड, हमारे यहाँ किसान क्रेडिट कार्ड हुए लेकिन बड़े किसानों तक गए और वो बैंक से बहुत ही कुछ तो राज्यों में 0% से ब्याज से उनको मिल जाते थे पैसे, और उनके कोई ना कोई दो धंधा व्यापार होता था, पैसे वहाँ भी लग जाते थे। छोटे किसान के नसीब में ये नहीं था। हमने तय किया हिंदुस्तान के हर किसान को किसान क्रेडिट कार्ड देंगे। इतना ही नहीं, हमने उसका तो दायरा फिशरमैन तक भी बढ़ा दिया ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके, और 2.25 करोड़ से ज़्यादा किसानों तक ये किसान क्रेडिट का काम पहुंच चुका है, और बाकी भी राज्यों से आग्रह कर रहे हैं कि लगातार उसको आगे बढ़ाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसका लाभ उठा सके, और राज्यों की मदद जितनी ज़्यादा मिलेगी उतना ज़्यादा ये काम हो जाएगा। उसी प्रकार से हम एक योजना ले आए, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, सीधे किसान के खाते में, और ये गरीब किसान को जिसके पास कभी इस प्रकार की मदद नहीं पहुंची है। 10 करोड़ ऐसे परिवार हैं जिनको इसका लाभ मिल गया, और अगर बंगाल में राजनीति आड़े ना आती तो बंगाल के किसान भी अगर जुड़ गए होते तो ये आंकड़ा उससे भी ज्यादा होता, और अब तक 1,15,000 करोड़ रुपया इन किसानों के खाते में गया। ये गरीब छोटे किसान, उनके पास गया है। हमारी सब योजनाओं के केंद्र बिंदु में सॉइल हेल्थ कार्ड, हमने 100% सॉइल हेल्थ कार्ड की बात कही ताकि हमारे छोटे किसान को भी उसकी जमीन कैसी है, कौन सी उपज के लिए योग्य होगा, हमने 100% सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए काम किया। उसी प्रकार से हमने यूरिया का निमकोट किया, 100% किया। 100% के पीछे इरादा हमारा यही था कि गरीब से गरीब किसान तक भी यूरिया पहुंचने में रुकावट ना हो, यूरिया डाइवर्ट होता है बंद हो, और उसमें हम सफल भी हुए। छोटे और सीमांत किसानों के लिए हमने पहली बार पेंशन की सुविधा की योजना लेकर के आए, और मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे हमारे छोटे किसान भी आ रहे हैं। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये सिर्फ एक रोड नहीं है, ये किसानों की गांव की जिंदगी को बदलने का एक बहुत बड़ा यश रेखा होती है, और इसलिए हमने उस पर भी बल दिया। पहली बार हमने किसान रेल की कल्पना की, छोटा किसान का माल बिकता नहीं था, आज किसान रेल के कारण गांव का किसान रेलवे के माध्यम से मुंबई के बाजार तक अपना माल बेचने लगा, फल सब्जी बेचने लगा है, उसका लाभ ले रहा है, छोटे किसान को फायदा हो रहा है। किसान उड़ान, किसान उड़ान के द्वारा हवाई जहाज से, अब जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अभाव में वहां का किसान हमारा बेनिफिट नहीं ले पाता था, आज उसको किसान उड़ान योजना का लाभ मिल रहा है। छोटे किसानों की परेशानियों से हर कोई परिचित है, समय समय पर उनके सशक्तिकरण की मांग भी उठी है। हमारे आदरणीय शरद पवार जी और कांग्रेस के बीच हर किसी ने, हर सरकार ने कृषि सुधारों की वकालत की है, कोई पीछे नहीं है, क्योंकि हर एक को लगता है कर पाए नहीं कर पाए अलग बात है,
लेकिन ये होना चाहिए, ये बात हर एक की निकली हुई है और आज नहीं, जब भी जो जहां थे सबने की हुई है। और शरद राव जी ने तो अभी एक बयान भी दिया कि मैं सुधारों के पक्ष में हूं। ठीक है, पद्धति के संबंध में उनके मन में सवाल है, लेकिन सुधारों का विरोध नहीं किया। और इसलिए मैं समझता हूं कि हमें इस विषय में हमारे साथी श्रीमान सिंधिया जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से कई पहलुओं पर इस कानून को लेकर के यहां पर ये सारी बातें पिछले दो दशक से लगातार चल रही है, हर फोरम में चली। ऐसा नहीं है कि कोई हमारे आने के बाद, हर ने कहा और हर एक को लगा कि अब समय आ गया, हो जाए, अब समय आ गया। ये ठीक है, फुटस्टूप कॉमा कोई इधर उधर हो सकता है, कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि भाई हमारे समय की सोच बहुत ही बढ़िया थी। मैं भी दावा नहीं कर सकता हूं कि हमारे समय की सोच बढ़िया है, 10 साल के बाद कोई नई सोच आ ही नहीं सकती, ऐसा नहीं होता है जी। ये समाज जीवन परिवर्तनशील होता है। आज के समय हमें जो ठीक लगा चलो चले, आगे सुधार करेंगे, नई चीजों को जोड़ेंगे, यही तो प्रगति का रास्ता होता है जी। रुकावटें डालने से प्रगति कहां होती है जी। और इसलिए, लेकिन मैं हैरान हूं, अचानक यू टर्न ले लिया भाई, ऐसा क्यों किया? ठीक है, आप आंदोलन के मुद्दों को लेकर के इस सरकार को घेर लेते, लेकिन साथ साथ किसानों को भी कहते कि भाई बदलाव बहुत जरूरी है, बहुत साल हो गए, अब नई चीजों को लेना पड़ेगा तो देश आगे बढ़ता। लेकिन अब मुझे लगता है कि राजनीति इतनी हावी हो जाती है कि अपने ही विचार छूट जाते हैं। लेकिन जो ये सब कर रहे हैं अच्छा है, आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की यहां मौजूद है, मैं उन्हीं का एक कोट आज बहुत पढ़ना चाहता हूं। हो सकता है जो यू टर्न कर रहे हैं वो मेरी बात माने या न माने, मनमोहन सिंह जी की तो बात जरूर मानेंगे। देर आर अदर रिजिडिटीज बिकॉज ऑफ द होल मार्केटिंग रिजिम सेटअप इन द 1930s विच प्रिवेंट अवर फार्मर्स फ्रॉम सेलिंग देयर प्रोड्यूस वेर दे गेट द हाइएस्ट रेट ऑफ रिटर्न। इट इज अवर इंटेंशन टू रिमूव ऑल दोज हैंडीकैप्स विच कम इन द वे ऑफ इंडिया रियलाइजिंग इट्स वास्ट पोटेंशियल एज वन लार्ज कॉमन मार्केट। ये आदरणीय मनमोहन सिंह जी का ने किसान को उपज बेचने की आजादी दिलाने, भारत को एक कृषि बाजार दिलाने के संबंध में अपना इरादा व्यक्त किया था और वो काम हम कर रहे हैं। और मुझे आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि देखिए मनमोहन सिंह जी ने कहा था वो मोदी को करना पड़ रहा है, गर्व कीजिए। और मजा ये है कि जो लोग पॉलिटिकल बयानबाजी करते हैं उछल उछल करके, उनके राज्यों में भी जब उनको मौका मिला है इसी में से आधा अधूरा कुछ न कुछ किया ही किया है हर किसी ने। यहाँ जो विरोध में दल है उनकी भी जहाँ सरकारें हैं वहाँ आधा अधूरा कुछ न कुछ तो किया ही है, क्योंकि उनको भी मालूम है रास्ते का रास्ता तो यही है। और मैंने देखा इस चर्चा में लॉ का जो स्पिरिट है उस पर किसी की चर्चा नहीं हुई है, शिकायत दिया गया तरीका ठीक नहीं था, जल्दी कर दिया, इसको नहीं पूछा, ये रहता है। वो तो परिवार में शादी होती है तो भी फूफी नाराज होकर के कहती है मुझे कहाँ बुलाया, वो तो रहता है, इतना बड़ा बड़ा परिवार है तो रहता ही है। हम कुछ और बातों की और भी ध्यान दें। अब देखिए दूध उत्पादन किसी बंधनों में बंधा हुआ नहीं है, न पशुपालक बंधनों में बंधा हुआ है, न दूध बंधनों में बंधा हुआ। लेकिन मजा देखिए, दूध के क्षेत्र में या तो प्राइवेट या कोऑपरेटिव, दोनों ने एक ऐसी बड़ी मजबूत चेन बनाई है, दोनों मिलकर के इस काम को कर रहे हैं और एक बेहतरीन सप्लाई चेन हमारे देश में बनी है। इसको हमने जो अच्छा है उसको, और ये मेरे काल में नहीं बना है, आप भी इसका गर्व कर सकते हैं, मेरे काल से पहले बना हुआ है, हमें गर्व करना चाहिए। फल सब्जी से जुड़े व्यवसाय में ज्यादातर बाजारों का सीधा संपर्क रहता है
बाजारों के दखल हट गई है, इसका लाभ मिल रहा है। क्या डेयरी वाले, सफल सब्जी खरीदने वाले उद्यमी, पशुपालों की किसान, क्या जमीन पर कब्जा हो जाता है उनका, पशुपालन पर, पशु पर कब्जा हो जाता है? नहीं होता, दूध बिकता है, पशु नहीं बिकता है जी। आज मुझे खुशी है कि जो मूलभूत आवश्यकता है ईज ऑफ लिविंग के लिए, और जिसमें से आत्मविश्वास पैदा होता है, और एक बार गरीब के मन में आत्मविश्वास भर गया, गरीब खुद गरीबी को चुनौती देने की ताकत के साथ खड़ा हो जाएगा, गरीब किसी का मदद के मोहताज नहीं रहेगा, तो मेरा अनुभव है। और इसलिए मैं कहता हूँ, मुझे खुशी है 10 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बने, 41 करोड़ से ज़्यादा लोगों के बैंक खाते खुले, 2 करोड़ से अधिक गरीबों के घर बने, 8 करोड़ से अधिक मुफ्त गैस के कनेक्शन दिए गए, 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज गरीब की जिंदगी में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर के उभर रहा है। ऐसी अनेक योजनाएं जो गरीबों के जीवन में बदलाव ला रही हैं, नया विश्वास पैदा कर रही हैं।